माँ के इसाले सवाब के लिए इस प्रोग्राम को सजाया है। मैं एक मतला दो शेर में पढ़ता हूँ, समाप्त कर लें। यकीनन माँ जैसी दौलत घर में होती है, बाप जैसी शख्सियत घर में होती है, तो बाप के होने से माँ के होने से घर के रौनक ही अलग होते हैं। लेकिन जो ही माँ बाप दुनिया छोड़ जाते हैं वो घर कैसा होता है, और वो बेटा फिर कहने क्या लगता है जो उनके उनकी औलादें होती है वो क्या कहता है। समाप्त करें, जरा माँ बाप के नाम पे कहने सुभान अल्लाह, और एक बार कहने सुभान अल्लाह। सुने एक मतला और तेजी के साथ दो शेर में इस कलाम से पेश कर रहा हूँ, समाप्त करें मोहब्बत से। हुक्म हुआ है आप तक पहुँचाता हूँ, समाप्त करें, सुनिएगा। अपनी माँ को तो हर चीज बता सकती है, लेकिन बाप तक पहुँचने में जिगर चाहिए। बाप को कम ही लोग कम अपनी बात बता सकते हैं, लेकिन माँ ऐसी चीज होती है जिसको हर बात वो औलादें शेयर कर देती है। और वो क्या कहती है औलाद जब माँ दुनिया छोड़ जाती है, तब समाज के एक मरतबा मोहब्बत से कहने सुभान अल्लाह, और एक बार कहने सुभान अल्लाह। वो कहता है यू तो सब के आला हजरत शायरे इस्लाम हजरते अजमत रजा भागलपुरी, नारे तकबीर नारे रिसालत। कौन है इसको सुनाऊंगा मैं दिल की दास्तां, लौट कर आ जाऊंगा। पढ़ता हूँ समाज के मोहब्बत के साथ। अगर सच्ची मोहब्बत वालिदैन से है तो शेर सुनिएगा। और माँ बाप के ना होने से दिल पे क्या गुजरता है, घर के रौनक कहाँ हो जाते हैं, सुनकर बताइएगा। मैं शेर पढ़ता हूँ, सुने मोहब्बत के साथ। पढ़ गई
थक चुका हो, थक चुका हो, थक चुका हो, ढूंढ कर मैं थक चुका हो, ढूंढ कर बदला हो अब ढूंढो को सुनाऊंगा दिल की गाचता कर आ जाओ माँ कर आ जाओ माँ कौन है किसको सुनाऊंगा गम की इस कलाम का समाप्त कर लें। एक मर्तबा कह दें सुभान अल्लाह और एक बार कह दें सुभान अल्लाह। अच्छा शेर है, अच्छा लग रहा है, एक मर्तबा और कह दें सुभान अल्लाह। सुनिएगा, वो बेटा क्या कहता माँ के गुजरने के बाद। सुने सुने दिल जब कहीं नहीं लगता है, जब हाल दिल किसी को ना सुना सकता है, तो वो क्या कहता है मेरी माँ, ए मेरी प्यारी माँ। हाल दिल दिल किसको से गई तू छोड़ कर जब से